हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? आप सबको संडे स्कूल प्रोग्राम में स्वागत। आइए हम मिलकर इस वीक की संडे स्कूल प्रोग्राम की मजा लेंगे और परमेश्वर आप सबों को आशीष देने पाए। इस वीक की हमारा संडे स्कूल प्रोग्राम का थीम है फैमिली इज गॉड्स प्लान। परिवार परमेश्वर का योजना है। जैसे कि हम सबको मालूम है, इन दिनों में हम लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं, फैमिली के साथ हैं, मम्मी पापा बच्चे सब घर के अंदर हैं, कुछ लोगों के साथ दादी दादा नाना नानी सब हैं। तब जब हम परिवार के साथ मिलके रहते हैं, हमें ये समझना है फैमिली जो है परमेश्वर का एक बड़ा योजना है। परिवार परमेश्वर का योजना है। इस वीक की इस प्रोग्राम में आगे हम इसके विषय में देखेंगे और बच्चों का परिवार में क्या योगदान है, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, ये सब हम आज देखेंगे। आइए हम पहले कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। लेट अस सिंग फॉर जॉय फॉर जीसस। आइए हम मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस गीत को हम गाएंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, खुद को छुपाएगा। आप सब ये जानते हैं। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाइए, एक्शन के साथ हम इस गीत को मिलकर गाएंगे। आएगा, जाल बिछाएगा, खुद को छुपाएगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, खुद को छुपाएगा। पंख फैलाकर मैं उड़ूंगा और न डरूंगा, पंख फैलाकर मैं उड़ूंगा और न डरूंगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, खुद को छुपाएगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, खुद को छुपाएगा। पंख फैलाकर मैं उड़ूंगा और न डरूंगा, पंख फैलाकर मैं उड़ूंगा और न डरूंगा। शैतान आएगा, जाल बिछाएगा, खुद को छुपाएगा। शैतान आएगा, जाल बिछाएगा, खुद को छुपाएगा। पंख फैलाकर मैं उठूंगा और न डरूंगा, पंख फैलाकर मैं उड़ूंगा और न डरूंगा। ओ पंख फैलाकर मैं उड़ूंगा और न डरूंगा, पंख फैलाकर मैं उड़ूंगा और न डरूंगा। आमेन। जब शैतान आता है, हमें मालूम है हमारे साथ यीशु मसीह है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हम उसके उनके साथ हम सुरक्षित हैं। हम एक और गीत गाएंगे मिलकर परमेश्वर के सन्मुख में, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आई एम ट्रेडिंग माई सोरोस, आई एम ट्रेडिंग माई शेम फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आनंद के साथ इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। I am trading my sorrow, I am trading my shame, I am laying them down for the joy of the Lord. I am trading my sickness, I am trading my pain, I am laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Oh yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Oh yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen.
sorrow. I am treading my shame. I am laying them down for the joy of the Lord. I am treading my sickness. I am treading my pain. I am laying them down for the joy of the Lord. Let's sing. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Once again. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Na 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 na. Amen. Once more. Na 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 na. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We sing, oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Praise the Lord. आइए हम एक नया गीत को हम सीखेंगे. Obedience is the better, best way to show that you believe. आप लोग मेरे पीछे बोलिए. Obedience is the best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord's command. Doing it happily. Obedience is the very best way. Obedience is the very best way to know, to show that you believe. To show that you believe. आप लोग इसे कितने लोग जानते हैं इस सॉन्ग को? हाँ, कुछ लोग तो जानते होंगे. आइए हम इसको सीखेंगे और इस गीत को हम मिलकर गाएंगे. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord's command. Doing it happily. Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord's command. Doing it happily. O-B-E-D-I-N-C. Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience is the very best way to show that you believe. मिल गए आपको? मिलकर गाएंगे. बहुत सरल गीत है, हम मिलकर गाएंगे एक और बार. Obedience is the very best way to show that you believe. यीशु मसीह में हमारा विश्वास को हम इस प्रकार से दिखाते हैं. कैसे दिखाते हैं? हमारे आज्ञा पालन करने के द्वारा. तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न रहते हैं जब हम आज्ञाकारी रहते हैं. When we become obedient, the Lord pleases with our life. परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर प्रसन्न रहते हैं. आइए हम मिलकर गाएंगे. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord's command. Doing it happily. Obedience.
to show that you believe. Obedience, obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord's command, doing it happily. Show that you believe. Obedience is the very best way to show that you believe. Amen. परमेश्वर हम सबों को आशीष दे. आगे हम परमेश्वर के वचन के से कुछ बातों को देखेंगे. आप लोग सब अपने अपने स्थानों में बैठिए, परमेश्वर की आशीषों को पाइए. Hello, my dear friends. Once again, I welcome all of you to this week's Sunday School program. जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ये हफ्ते की हमारा थीम है Family is God's plan. जब हम कहते हैं ये परमेश्वर की योजना है परिवार, we must understand one thing. It was God who created the first family. जैसे कि हमें मालूम है, आदम और हवा को परमेश्वर ने ही बनाया और उस एदन की वाटिका में रखा. और हमें भी मालूम है, हमें हमें से किसी को भी वो मौका नहीं मिला ताकि हम अपने माता पिता को चुन सके. ना हम ये कह नहीं पाए कि मुझे उस परिवार में जन्म लेना था, ये परिवार में मुझे जन्म लेना है, ये मौका हमें नहीं मिला. इसका मतलब इट्स गॉड हु डिजाइन ए फैमिली. परमेश्वर की योजना है परिवार. तो हमें ये याद रखना है, इस परिवार को भी आगे बढ़ाता है वो भी परमेश्वर का कार्य है. परमेश्वर ही परिवार को भी आगे बढ़ाता है. हम जब इस परिवार में रहते हैं, हमें काफी सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम आगे उसके विषय में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हम बाइबल में एक ऐसा परिवार को देखेंगे जहां परमेश्वर ने कार्य किया. बहुत साल पहले इज़राइल में एक पापा एक दिन अपने न्यूबॉर्न बेबी और उनकी मम्मी उनके पत्नी को भी साथ लेके वो इजिप्ट में चले गए. और कुछ दिनों के बाद ये माता पिता अपने बेटे को लेकर यरूशलेम के मंदिर में आया, वहां एक बलिदान चढ़ाया. हाँ, आप लोगों को जरूर मालूम है मैं किसके विषय में बता रहा हूं. कौन है वो बालक? यस, इट इज नन अदर देन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह का परिवार, यूसुफ, मरियम और यीशु मसीह. यीशु मसीह जो है बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ रहा और वो मम्मी पापा का आज्ञा पालन को पालन किया और उनके साथ वो रहा. 12 साल की उम्र में हमें मालूम है उन लोग फिर से पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में आया. वापस जाते समय यीशु मसीह यरूशलेम में ही रह गया. उनके मम्मी पापा एक दिन सफर करके आगे निकल गए, पर बाद में उनको पता चला यीशु मसीह उनके पास नहीं है. वो वापस चले गए यरूशलेम में, ढूंढा. 3 दिन के बाद उनको मिला तो कहां है यीशु मसीह? वहां बड़े बड़े शास्त्री लोगों के साथ बैठ कर वचन की बातों को उनके साथ बात कर रहे थे. हाँ, यीशु मसीह को एक ज्ञान कहां से मिला? शायद उनका मम्मी जो है उनको घर में परमेश्वर की वचन को जरूर सिखाया होगा. और यीशु मसीह के बारे में लुका के सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है, उस बालक प्रभु के डील डोल में बुद्धि में आगे बढ़ता गया और परमेश्वर की और मनुष्य की अनुग्रह में वो बढ़ते चले गए. जीसस ग्रू
in wisdom and stature, in favor with God and man. तो हमें भी उस यीशु मसीह के समान हर कार्य में आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते की हमारा मेमोरी वर्ड्स को हम देखेंगे। उस मेमोरी वर्ड्स को हमने निकाला है एक्सोडस चैप्टर 20 उसका 12। एक्सोडस चैप्टर 20 उसका 12 वर्ड्स। ये हमें मालूम है ये 10 कमांडमेंट्स में से हम निकाला है। ये 10 कमांडमेंट्स में सबसे पहला आज्ञा है जिसके साथ एक वायदा भी है। दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट विद अ प्रॉमिस। तो मैं उसको पढ़ूंगा, ऑनर योर फादर एंड योर मदर सो दैट यू मे लिव लॉन्ग इन द लैंड द लॉर्ड योर गॉड इज गिविंग यू। अपने माता पिता को आदर सम्मान करना है, अगर ऐसा आप करोगे आप जरूर बहुत लंबे समय तक जिएगा। ये मेमोरी वर्ड्स को हमें अच्छा से लिखना है, कलरफुली लिखना है। मैं चाहूंगा आप लोग के कमरे में आपके पास ये वर्ड्स हमेशा रहना चाहिए। इस वर्ड्स को हमारे वहीं नहीं, हमारे कमरे में ही नहीं पर हमारे हृदय में भी हमें रखने की आवश्यकता है। आइए इस वर्ड्स को हम जरूर मेमोराइज करें। तो हमारे इस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस वाक्य से हम समझ सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी बातों को बताऊंगा, जरूर ध्यान से सुनिए, छोटे बच्चे भी मेरे बात को सुनिए मैं क्या बताने वाला हूं। जब हम फैमिली में रहते हैं हमारा भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसको हमें निभाने की आवश्यकता है। उसमें से कुछ बातों को मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले ये बात है बी विथ योर पेरेंट्स। आपको आपके पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, उनसे हम दूर भागने की कोशिश नहीं करना है। तो छोटे बच्चे जो है जरूर अपनी मम्मी पापा के साथ रहते हैं, उनका सुरक्षा उनके लिए आवश्यक है, वो उनकी बातों को देखभाल करना है। पर कुछ बड़े होने के बाद हमको लगता है अभी हमें मम्मी पापा की आवश्यकता नहीं है, सारे बातें हम अपने आप कर लेंगे, उनको क्या मालूम है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उनके हाथ में सबसे प्रेशियस गिफ्ट के रूप में दिया है। आप जानते हो आपकी मम्मी पापा के लिए आप लोग परमेश्वर से दिया हुआ प्रेशियस गिफ्ट है। तो मम्मी पापा के साथ में हमें रहना चाहिए। हमारे भारत देश में कितनी हजार ऐसे बच्चे हैं जिनके पास माता पिता नहीं है, और कुछ लोग अपने माता पिता को खो गया। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है और उनके साथ हमें रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात हमें याद रखना है, वी नीड टू रेस्पेक्ट एंड वैल्यू आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स को हमें आदर देना है, सम्मान देना है। तो कुछ हमारे दोस्त लोगों को लगता है हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं मालूम है, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, मुझे सब मालूम है। इस प्रकार की सोच हमारे अंदर आ जाता है। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको ये कंप्यूटर मोबाइल सब चलाना कैसे मालूम हुआ? क्योंकि आपकी मम्मी पापा ने आपको सबसे अच्छा स्कूल्स में डाले हैं, उन्होंने पूरा अपने योगदान आपके लिए दिया। तो हमें कभी भी उन्हें अनादर नहीं करना है, हमें उन्हें रेस्पेक्ट देना है, उनका वैल्यू को हमें समझने की आवश्यकता है। तीसरी बात, हेल्प योर पेरेंट्स। आपकी माता पिता को आपको मदद करना। काफी बार हमारे घरों से चिल्लाने की आवाज आ जाते हैं, मम्मी बोलते हैं तुमने वो नहीं किया, ये नहीं किया, पापा बोलते हैं तुम कहां था, ये ना सभी बात है। काफी बार इस चिल्लाने की आवाज आ जाते हैं, हमें क्या करना होगा? इन चिल्लाने की आवाज को बंद करना है,
कैसे करेंगे? हम अपने कामों को हम टाइम पर करने से हम इस सारे ऐसी बातों को हम अपने जीवन से निकाल सकते हैं। आपको प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका स्टडीज, समय पर आपको पढ़ने की आवश्यकता है, आपकी जो भी काम है आपको वो पूरा करने की आवश्यकता है। जैसे कि इन दिनों में हम लॉकडाउन की सिचुएशन में है, मैंने पिछले संडे भी बोला आप लोगों को क्या करना चाहिए, घर में अभी मम्मी पापा की मदद भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा इस बार जो है आप लोग छोटे छोटे ऐसी वीडियो सब बना सकते हैं, 1 मिनट का, 2 मिनट का, जहां आप लोग अपने घर में मम्मी पापा को मदद कर रहे हैं, उस वीडियो को लेकर जरूर अपने अपने ग्रुप में आप पोस्ट करिए, आपके लिए वो एक एक्टिविटी रहेगी। तो हेल्प योर पेरेंट्स। तीसरी जो नेक्स्ट है, ट्रस्ट योर पेरेंट्स। फोर्थ, ट्रस्ट योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता पर भरोसा रखना है। शेयर योर प्रॉब्लम्स विद, आपकी प्रॉब्लम्स को उनके साथ बांटना है। काफी बार बड़े बच्चे लोगों को लगता है मेरे प्रॉब्लम्स को मुझे मेरा फ्रेंड्स के साथ बांटना है, मम्मी पापा से ज्यादा उनको अपने फ्रेंड्स पर भरोसा है। पर ऐसा नहीं, जब परमेश्वर ने हमें अच्छा मम्मी पापा दिया है, हमें क्या करना है, उन पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो आपके प्रति सबसे अच्छा क्या है वो ही जानते हैं, वो हमेशा आपकी भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। तो यू नीड टू ट्रस्ट योर पेरेंट्स। और आखिरी में, यू नीड टू एनकरेज योर पेरेंट्स। आपको अपना पेरेंट्स को एनकरेज करने की आवश्यकता है, उनको उत्साह बढ़ाने की आवश्यकता। कभी कभी हमको लगता है हम बार बार नाराज हो जाते हैं, मम्मी पापा से कहते हैं रोज यही ब्रेकफास्ट पोहा, अरे पापा ने मुझे किंडर जॉय खरीद के नहीं दिया ना। इस प्रकार मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, पर काफी बार हम नाराज हो जाते हैं। पर क्या हमने कभी उनको एक एनकरेजिंग वर्ड कहा है, मम्मी यू आर द ग्रेटेस्ट मम्मी इन द वर्ल्ड? क्या आपने कहा है पापा को, पापा यू आर द ग्रेटेस्ट पापा इन द वर्ल्ड एवर आई कैन हैव? वो आपकी एनकरेजिंग वर्ड्स उनके लिए बहुत ही मददगार होगा। तो ये कार्य हमें करने की आवश्यकता है। एक और मुख्य चीज मैं आपको बताने वाला, अगर कितने भी बातों को मैंने अभी कहा है, जैसे कि बी विथ योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट एंड वैल्यू योर पेरेंट्स, हेल्प योर पेरेंट्स, ट्रस्ट योर पेरेंट्स एंड एनकरेज योर पेरेंट्स, ये सब अच्छी रीति में करने के लिए आपको एक विशेष कार्य करना है। What is that? Have a good relationship with God. परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध को बनाए रखना। ये अगर आपके जीवन में संभव है, बाकी सारे चीजें ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आते रहेंगे। नो, कभी कभी परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं होते तो घर के अंदर भी एक दूसरे के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं होता। कुछ हमारे दोस्त लोग बड़े हो रहे ओके, घर के बाहर वो रिश्ता ढूंढने लगता है, इधर उधर संबंध बना लेते हैं। नहीं, अगर परमेश्वर के साथ हमारा अच्छा संबंध है, घर के अंदर हमारा एक दूसरे के साथ भी अच्छा संबंध होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहते हैं और आपको उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ गॉड। When you have a good relationship with God, you will have a very good relationship within your house. आपकी family में, आपके परिवार में भी अच्छा एक relationship रहेंगे और आपको अपना घर स्वर्ग समान बना सकता है। There will be joy of heaven at your home. आपके घर के अंदर उस स्वर्ग का आनंद हमेशा बने रहेंगे। तो हमें परमेश्वर के साथ उस अच्छा relationship बना के हमें रहने की आवश्यकता है। तो फैमिली इज गॉड्स प्लान। परमेश्वर की इस योजना को हमें समझना है, फैमिली को हमें उस हेवन जैसा प्लेस हमें बनाने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर हमें आशीष दे और आने वाले वीक में भी परमेश्वर की आशीष है आप सबके साथ बने रहें। हैव अ वेरी गुड टाइम ऑफ टाइम विद योर फैमिली, एंजॉय योर टाइम,
and have a good relationship with God and with one another. God bless you. आइए हम प्रार्थना करेंगे. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु. हम धन्यवाद करते हैं अपने प्रिय मित्रों के लिए प्रभु, हमारे बच्चों के लिए, उनको आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं. उनको दिया हुआ फैमिलीज के लिए धन्यवाद करते हैं. मम्मी पापा के लिए धन्यवाद करते हैं. दादा दादी और नाना नानी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. हम सब मिलकर प्रभु आपकी योजना को इस धरती पर पूरा करने के लिए हमें सहायता करें. सारे बच्चों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं. आपकी सुरक्षा उनके जीवन में बने रहे. धन्यवाद. वो आपने प्रार्थना सुना. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता. आमेन. मैं फिर से आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, आप लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाएं और अपने घर पे मम्मी पापा को मदद करने वाले छोटा छोटा वीडियोस बना के आप लोग ज़रूर अपने ग्रुप में पोस्ट करें. और साथ ही साथ जो है आज के हमारा मेमोरी वर्स एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12 को अच्छा कलरफुली लिखकर आप लोग अपने अपने कमरे में चिपका के रखें, और वो भी आपके लिए एक एक्टिविटी रहेंगे. और परमेश्वर आप सबों को आशीष दें. गॉड ब्लेस यू ऑल. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, टेक केयर.